इस बंदर को पानी के बूंद में आम दिखाई देता है। ठीक से देखता है तो बहुत दूर आम का पेड़ था। फिर हाथी भी आ जाता है और दोनों रेस लगाते हैं कि कौन सबसे पहले आम के पेड़ तक पहुंचेगा। बंदर रस्सियों से उछलते कूदते जा रहा था और हाथी दौड़ कर जा रहा था। फिर दोनों एक जगह रुक जाते हैं और बंदर मशरूम पर कूद कर उड़ जाता है, लेकिन जब हाथी जाता है तो मशरूम ही टूट जाता है। फिर एक छोटे मशरूम पर पैर रखता है तो उड़ जाता है और हाथी बंदर से भी आगे चला जाता है, लेकिन जब नीचे गिरता है तो रस्सी में ही बंध जाता है। फिर नीचे आता है तो हाथी उदास हो गया था और बंदर अकेला चला जाता है, लेकिन तभी हाथी को बंदर की आवाज सुनाई देता है। बंदर आम के पेड़ पर अटक गया था। हाथी अपने दोस्त को बचाने के लिए रस्सियों से उछलकर मशरूम से उड़कर आम के पेड़ तक चला जाता है और बंदर तो नाटक कर रहा था अपने दोस्त हाथी को बुलाने के लिए।